मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे न्यू लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये इसकी लिंक यहाँ पर दे रखी है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा वैसा यूनिक वीडियो नहीं है, लेकिन ये जो गूगल क्रोम आप देख रहे हैं दोस्तों, इस गूगल क्रोम पर एक न्यू अपडेट आया है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हम काफ़ी सारे टैब्स यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, जो भी टैब्स को हम यहाँ बना कर रखते हैं या जिन टैब्स पर हम काम कर रहे होते हैं हमारे ऑफिस का अक्सर जब भी, तो आपने देखा होगा। ये देखिए आप, मैं आपको ये माउस के पॉइंटर से दिखाता हूँ। ये एक जो आपको नया एडिशन यहाँ दिख रहा है, गूगल क्रोम अपडेट हुआ है। अपडेट होने के बाद ये मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया ताकि आप लोग इसके बारे में जानकारी दे सकूँ। ये काम क्या करेगा, इसके लिए मैं आपको कम से कम 2 या 4 टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ, ताकि आपको जो है ये बेहतर तरीके से समझ में आ सके एक्चुअल में ये यहाँ से क्या काम करने वाला है। अभी आप दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे, ये मैंने कुछ टैब ओपन कर लिए हैं, ये मल्टीपल टैब्स ओपन हो गए हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये इसका काम क्या है एक्चुअल में। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है सर्च टैब, हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, ये जो मैंने 4 टैब यहाँ ओपन किए हैं विंडो में, वही 4 टैब यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब आप जिस टैब पर जाना चाहते हैं वहाँ डायरेक्टली जा पाएंगे। कोई टैब अगर आपको नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए YouTube, तो YouTube आप सर्च करेंगे तो ये देखिए YouTube सबसे ऊपर आ गया है। इस तरीके से ये काम करेगा, ये आप देख सकते हैं। सर्च जैसे हमने YouTube किया तो YouTube का टैब मिल गया है। अब मान लीजिए मैं यहाँ उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश पर चलता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया तो अब मैं डायरेक्ट इस टैब पर आ गया। इससे क्या होता है दोस्तों, जब मान लीजिए आप 50-60 टैब खोल लेते हैं, बहुत ज़्यादा टैब आप ओपन कर लेते हैं, जब आपको डायरेक्टली किसी टैब पर जाना हो तो ये देखिए द हिंदू, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ से आप इसे मैनेज भी कर सकते हैं इजीली। आप चाहें तो दोस्तों इसको, जैसे मान लीजिए मुझे ये उच्च शिक्षा विभाग का टैब बंद करना है, तो मैं यहीं से इसको क्लोज कर दूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से क्लोज हो गया है। तो ये मैनेज करने के लिए दिया गया है, इसका शॉर्टकट की भी दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट A के साथ भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये हमने कंट्रोल शिफ्ट A के साथ भी जो है इस टैब को ओपन करके अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमने कंट्रोल शिफ्ट किया और ये ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके मल्टीपल टैब्स को, और जो है आप यहाँ पर टैब्स को इजीली ढूंढ पाएंगे जब काफ़ी सारे टैब्स हमारे ओपन होते हैं, और मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए गूगल क्रोम ने ये नया अपडेट निकाला है, और मैं आप लोग के लिए वीडियो इसलिए लेकर आया ताकि आपको इस टैब के बारे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके और आप इसका जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। और भी ऐसे टेक्नोलॉजी से और अपडेशन से जुड़े हुए वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।